Good morning, children. Hope you all are fine and safe. Today we are going to continue with our chapter 3 geography, that is our changing earth. तो हमने हमारे पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने ये जाना था कि अर्थ की सब जो सरफेस होती है वो हमेशा ही कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है और इसके पीछे के रीजन्स बहुत नेचुरल और ह्यूमन बींग्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल इन सारे चेंजेस के लिए. और जो भी रीजंस होते हैं लैंडस्केप या फिर लैंड एरियाज़ के चेंजेस के लिए, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंटरनल प्रोसेसेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, नेचर ऑफ रॉक्स एक्सेट्रा. तो सबसे पहले हमने जाना था इंटरनल प्रोसेस के बारे में. तो इंटरनल प्रोसेसेस में हमने ये जाना था कि जो चेंजेस अर्थ के इंटीरियर में होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थ के शेप में या अर्थ के सरफेस के चेंजेस के लिए. ये इंक्लूड करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स. एक्सटर्नल प्रोसेस में हमने ये जाना था कि वो प्रोसेसेस जो अर्थ के ऊपरी सरफेस में होते हैं, ये प्रोसेसेस काफ़ी स्लो होते हैं. वेदर, रिवर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एक्सेट्रा, ये कुछ मेजर एजेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए. फिर हमने जाना था मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में, जो कि कंटिन्यूसली वोन आउट हो रहे हैं, यानी कि घिस रहे हैं दो प्रोसेस की वजह से, वो हैं वेदरिंग और इरोजन की वजह से. फिर हमने जाना था लैंडफॉर्म्स जो कि विंड के द्वारा तैयार किए जाते हैं. तो विंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है डेजर्ट एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी लूज़ होते हैं और उनमें मॉइस्चर और वेजिटेशन की कमी होती है, और इसी के वजह से एक डिफ्लेशन हॉलो और सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है. डिफ्लेशन हॉलो यानी कि एक बड़ा सा होल हो जाता है, और सैंड ड्यून्स का मतलब होता है एक हिल का सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन होता है विद द डिपोजिशन ऑफ सैंड बाय विंड. आज हम जानेंगे लैंडफॉर्म्स जो कि ग्लेशियर्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं. तो ग्लेशियर एक बड़ी सी आइस होती है जो स्लोली मूव करती है टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स ऑफ अ माउंटेन वैली. माउंटेन वैली से निचली तरफ मूव करती है एक बड़ी सी आइस, तो उसे ग्लेशियर बोला जाता है. ये बना हुआ होता है स्नो से, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है और कॉम्पैक्ट यानी कि हार्ड होता है. ये उन जगहों में अकर होते हैं या होते हैं जहाँ पे परमानेंटली स्नो के कवर होते हैं या आइस के कवर होते हैं. ग्लेशियर्स लैंडस्केप में चेंजेस लाते हैं कई तरीके से. वो इरोड करते हैं सरफेस को, वो सरफेस को घिसते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट मटेरियल्स करते हैं काफ़ी साइजेस के, चाहे वो बड़े बड़े पत्थर हो या फिर सैंड हो या फिर जो फाइन स्लिल्ट हो, उन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं. इरोजनल वर्क जो ग्लेशियर्स के द्वारा होता है वो होता है जब आइस की जो अनइक्वल मूवमेंट होती है उस टाइम पे, और जो टॉप ऑफ द आइस होती है वो मूव करती है काफ़ी फास्टर तरीके से कंपेयर टू जो आइस जो कि निचले हिस्से में हो, और जो सेंटर में जो आइस अवेलेबल होती है वो काफ़ी जल्दी मूव करती है कंपेयर टू जो साइड्स ऑफ द ग्लेशियर में होती है. और जो क्रैक्स अपीयर होते हैं वो होते हैं अनइक्वल मूवमेंट ऑफ द आइस की वजह से, यानी कि जो स्प्लिटिंग ऑफ आइस होती है यानी कि ब्रेकिंग ऑफ आइस, जिसकी वजह से अनइक्वल मूवमेंट होती है, उनके वजह से क्रैक्स होते हैं और उन्हें क्रिवासेस बोलते हैं. माउंटेन ग्लेशियर्स बड़े होल को तो डिग नहीं कर पाएंगे या फिर बड़े से वैली को, न्यू वैली को डिग नहीं कर पाएंगे, पर वो क्या करते हैं, जो पहले से ही जो वैली होती है उसको और ज़्यादा डीप करते हैं और स्ट्रेट करते हैं, एज वेल एज उनमें जो भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनके पैसेज में या उनके रास्ते में, उनको भी दूर करती हैं. इस तरीके से एक टिपिकल शेप का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं यू शेप वैली. सर्क, सर्क एक आर्म चेयर की शेप का डिप्रेशन होता है. आर्म चेयर जैसा कि हम जानते हैं जो एक रिलैक्सिंग चेयर होता है उसी की शेप का होता है ये, एक बैक वॉल के साथ ये, और ये सर्कुलर या फिर ओवल इन शेप होता है, और ये डिप्रेशंस माउंटेन रीजन्स के नज़दीक होता है, और ये फॉर्म्ड होता है क्योंकि जब जो ग्लेशियर्स होते हैं जब उनकी डाउन स्लोप की तरफ मूवमेंट होती है तब इनका फॉर्मेशन होता है, और अपलैंड स्लोप्स की जो शटरिंग होती है यानी कि जब वो अपलैंड के जो स्लोप्स होते हैं वो बिखरते हैं तब इनका फॉर्मेशन होता है.
डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ ग्लेशियर। अब ग्लेशियर किस तरीके से डिपोजिशनल वर्क करते हैं, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे जैसे ग्लेशियर्स मूव करते हैं, वो बड़े बड़े लैंड फीचर्स, काफ़ी सारे लैंड फीचर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें से मोरेन्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक रॉक मटेरियल होते हैं जो कि रह जाते हैं पीछे जब ग्लेशियर के द्वारा, उसे हम मोरेन बोलते हैं। मोरेन एक बड़े हिल या फिर एक फ्लैट लैंडस्केप की तरह से होते हैं। जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, मोरेन या तो इस तरीके से फ्लैट लैंडस्केप होते हैं या फिर इस तरीके से हिल का फॉर्मेशन करते हैं। ये लेफ्ट ओवर मटेरियल्स होते हैं ग्लेशियर के द्वारा, या फिर रॉक मटेरियल होते हैं जो ग्लेशियर्स के द्वारा छोड़े गए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना, आज हमने ये जाना कि ग्लेशियर एक बड़ी सी आइस होती है जो माउंटेन्स की माउंटेन वैली की तरफ, निचले की तरफ मूव करती है, माउंटेन वैली के निचले तरफ मूव करती है। और ये क्रिस्टल और सॉलिड यानी कि कॉम्पैक्ट होती है स्नो की, और ये काफ़ी जगहों में होती है, ये उन जगहों में होती है जहाँ पे एक परमानेंट कवर होता है स्नो या फिर आइस का। और इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स का क्या क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ आइस होती है अनइक्वल तरीके से, और जो टॉप ऑफ द आइस होती है वो ज़्यादा जल्दी मूव करती है कंपेयर टू निचले हिस्से की आइस से, और एक क्रैक का अपीयरेंस होता है ग्लेशियर में, क्योंकि जब स्प्लिटिंग यानी कि जब आइस बिखरते हैं, और इसी के वजह से एक अनइक्वल मूवमेंट होती है जिसके वजह से क्रिवासेस का फॉर्मेशन होता है। और माउंटेन ग्लेशियर्स एक बड़े से वैली को तो डिग नहीं कर सकते, इसके वजह से वो क्या करते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं वैली, उनमें से जो भी इरेगुलरिटीज़ या जो कुछ भी रहती हैं इरेगुलरिटीज़, वो सारी चीज़ों को हटाते हुए वो वैली को और ज़्यादा गहरा और स्ट्रेट बना देते हैं, जिसके वजह से एक टिपिकल शेप की वैली का फॉर्मेशन होता है जिसे यू शेप्ड वैली कहा जाता है। सर्क एक आर्म चेयर शेप की एक डिप्रेशन होती है, या फिर एक डिप्रेशन या फिर होल होती है जहाँ पे एक बैक वॉल होता है जिसके साथ साथ, और ये सर्कुलर या फिर ओवल इन शेप होती हैं। और ये डिप्रेशंस माउंटेन रीजन्स के नज़दीक होते हैं, और इसी के वजह से एक डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर का भी होता है, रादर इसका फॉर्मेशन ड्यू टू द डाउन स्लोप ऑफ मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर की वजह से होता है, यानी कि जब ग्लेशियर का जो मूवमेंट होता है वो स्लोप के निचले तरफ होता है, इसी के वजह से इसका फॉर्मेशन यानी कि सर्क का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर में हमने ये जाना कि ग्लेशियर्स भी काफ़ी सारे डिपोजिशनल वर्क करते हैं, जैसे कि जिनमें से मोरेन्स का फॉर्मेशन होता है। मोरेन्स वो लेफ्ट ओवर रॉक पार्टिकल्स या फिर रॉक मटेरियल्स होते हैं जो ग्लेशियर्स के द्वारा छोड़े गए होते हैं, जिसे मोरेन बोलते हैं। मोरेन हिल्स या फिर फ्लैट लैंडस्केप की तरह होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज लर्निंग वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।